नमस्कार दोस्तों, मैं मितुंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी नया चीज़ है, वो है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी शायद पहले, क्योंकि हम लोग हमेशा गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट आता है उससे रिलेटेड हमेशा बात करते रहते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं या क्या उसका फ़ायदा है और किस तरीके से आप उसका फ़ायदा उठा के अपने डेली रूटीन में लाभ उठा सकते हैं, या स्टूडेंट हो या पर्सनल कोई आदमी हो, कोई भी। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि 17 तारीख को जो प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश में अनाउंस किया 2023 में 17 सितंबर को, कि आप चाहें तो ऑनलाइन जो विश्वकर्मा योजना है उसका लाभ उठा सकते हैं और उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट चलाया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो मीडियम के तहत में चलाया है, ताकि मान लीजिए जो भी छोटे मोटे कारीगर हैं हमारे देश में जो अभी तक अनरजिस्टर्ड हैं, उनको एक जगह पर लाया जाए और उनका डाटा भी मेंटेन हो और उनको कुछ बेनिफिट दिया जाए, ताकि मान लीजिए वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ। अब ये जो पूरी तरीके से ये जो काम है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम है, यानी आप जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन ही आप जाके गवर्नमेंट के पास करवा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है, कि ये जो योजना है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले तो घर बैठे कहीं भी कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, बेसिक किट्स मिलेगा, जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड आगे हम बताएंगे क्या क्या काम वालों को इसमें जगह दिया गया है। ट्रेनिंग मिलेगा, विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा और आई कार्ड मिलेगा, प्लस ट्रेनिंग के लिए जो स्टाइफंड होता है 15,000 रुपये शायद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, 15,000 रुपये जो है इनको स्टाइफंड में मिलेगा, और इनका ब्रांडिंग के लिए और प्रमोशन के लिए प्लस ई कॉमर्स के साथ इसका टाई अप के लिए भी जो ये योजना है वो काम करेगी। और इसके लिए आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in 2023 बोल के, ये 2023 तो मान लो चल रहा है इस वजह से बता रहा हूँ, इस पे जाकर आप जाके अपना एप्लीकेशन लॉगिन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपको आई कार्ड मिल रहा है, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको स्टाइफन यानी पेमेंट भी सरकार गवर्नमेंट को दे रही है। तो अब आपका काम है इस पे जाके एप्लीकेशन करना, और लगभग समझिए 1300 करोड़ रुपये गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्ट करने वाली है, जिसमें 18 तरह के जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको जो है ये लिस्ट में रखा जाएगा। और मेनली एक बार फिर से आपको बता दीजिए, देखिए रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट, आई कार्ड मिलेगा, स्किल वेरिफिकेशन फॉलोड, 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा, और 15 से 20 दिन मतलब घंटा ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको जो स्टाइफन है वो दिया जाएगा, और जो टूल किट है यानी सामान वगैरह खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये इसमें ग्रांट मिलेगा। तो 500 रुपये अलग से और ग्रांट का 500 रुपये पर डे जो आपको सिखाया जाएगा मान लीजिए 7 दिन तक, और 15,000 रुपये आपको टूल खरीदने के लिए, और इसमें सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, प्रमोशन, ई कॉमर्स लिंकेज सारा चीज़ जो है गवर्नमेंट सॉरी दोस्तों करवाएगी आप लोगों के लिए, और ट्रेड फेयर वगैरह में जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो सब भी आपके लिए गवर्नमेंट करवाएगी, ताकि आप वहाँ पे ले पाएँ। अब एप्लीकेंट के पास क्या क्या होना चाहिए, देखिए पहले तो वो इंडिया का नागरिक हो और डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास हो, और 18+ उसका एज हो, ये मेन क्राइटेरिया है। इसके बाद देखिए कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कारपेंटर जो लकड़ी बढ़ई का हम लोग के यहाँ पे काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहार जो लोहा से रिलेटेड काम करते हैं, देखे होगा आपने खुंती बनाना या कुछ, आप लोग गाँव वगैरह में देखे होंगे लोहार जो होते हैं पीट पाट के अपना कुछ सामान ठीक करते हैं, वेवर जो बुनाई करते हैं, पोटर जो मान लीजिए आपका मिट्टी से रिलेटेड बर्तन कुम्हार जिसको बोला जाए, स्कल्पचर जो स्कल्पचर वगैरह मूर्तिकार जो होते हैं वो, और कुछ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट कैटेगरी, इन लोगों को ये जो है लिस्ट में रखा गया है। और द फैमिली एनुअल इनकम शुड बी लेस देन SC ST OBC कैटेगरी, और जिनका इनकम जो है फैमिली इनकम, मेन यहाँ भी होगा कि अगर मान लीजिए आपका इनकम ज़्यादा है तो इसमें आपको नहीं ऐड किया जाएगा, फैमिली इनकम एज पर जो कैटेगरी में दिया हुआ है SC ST OBC और EWS का, उसी के अनुसार आपको रखा जाएगा। अब आइए देखिए बात ये योजना कब तक, लास्ट डेट कब है, तो 17 तारीख को ये चालू हुआ था, और रजिस्ट्रेशन एनी टाइम स्टार्टिंग डेट 17 तारीख से
किसी दिन भी आप कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन 7 days रजिस्ट्रेशन और 1 month आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 1 महीने के बाद से ये लगभग समझिए आपका काम चालू हो जाएगा, जब से आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। आप डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपने पास रेडी रखना है इस काम के लिए, तो अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट और पासबुक डिटेल्स, ये आपको चाहिए होगा। गवर्नमेंट ये डाटा जो है आपसे लेगी। अब आपको काम क्या करना है, आपको इसका वेबसाइट पे जाना है, pmvishwakarma.gov.in पे। यहाँ पे होम पेज पे आप जाइएगा तो आपको रजिस्टर नाउ के लिए एक आपका ऑप्शन आएगा, और उसमें जाने के बाद आप देखिएगा मोबाइल और ईमेल आईडी, मोबाइल और आपका ईमेल आईडी तो बाद में लगेगा, खैर अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड से आपका KYC किया जाएगा, यानी आपके साथ मोबाइल के साथ आपका आधार जो है वो ऐड होना चाहिए, तभी ये उसमें ओपन होगा। इसके बाद बाकी आपका डिटेल्स के लिए आएगा कि आप अपना डिटेल जो जो हमने बताया वो अपना डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रखिएगा, फुल कीजिएगा। इसके साथ ही आप अपना वहाँ पे विश्वकर्मा डिजिटल आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट ये सब जो है बाद में जाके डाउनलोड कर पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट पहले डाटा कलेक्शन का काम कर रही है कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग लेना चाहते हैं, उसके बाद फिर जाके गवर्नमेंट उनको अपने एरिया वाइज या मान लीजिए अपने गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके अनुसार लोगों को कॉन्टैक्ट करेगी और काम लेगी। मगर अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए आपको 15,000 रुपये भी मिल रहे हैं स्टाइफन के तौर पे, और टूल किट भी मिल रहा है, तो टूल किट का भी 15,000 मिल रहा है, प्लस 500 रुपीज़ पर डे 7 days के लिए आपको ट्रेनिंग लीजिएगा तो वो भी आपको मिलेगा। तो एक अच्छा खासा इनिशिएटिव है। अब पहला काम है आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होना, पहले रजिस्ट्रेशन हो जाइए जैसे जैसे हमने बताया स्टेप बाई स्टेप आपको, और उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ा तो इसके ऊपर एक और वीडियोस हम लोग वेबसाइट के थ्रू दिखा देंगे, जिसमें कहाँ पे जाके क्लिक करना है, ताकि आप वेबसाइट अगर बहुत लोग नहीं जानते होंगे तो उनके लिए भी आसानी होगा। इस तरीके से हमारा चैनल देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए, और जिनको भी ज़रूरत हो उनको ये भेजिए। हम लोग क्या करेंगे, अब आगे से ऐसे गवर्नमेंट से रिलेटेड भी जो प्रोजेक्ट आते हैं उनका भी हम लोग जो है इस तरीके से वीडियोज़ बना के आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।